मैं कह रही थी आपसे कि रुक जाइए रुक जाइए। अबे कोयल कहेगी रुकिए रुकिए के बजाय गोबर गोबर नहीं बोल सकती थी। आप लोग प्लीज उस तरफ देखिए, देखो जाइए। भाभी उस तरफ देखिए प्लीज। जाइए। अरे आप दोनों ऐसे क्यों चल रहे हैं? ऐसे ही डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे चलने से ना टांगों की एक्सरसाइज होती है। हाँ। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर सैनी। हाँ चलो भैया। अरे वाह अच्छा लग रहा है। क्या बात है कपी, इस गेटअप में तुझे सैंडी क्या, सैंडी का डैडी भी नहीं पहचान सकता। वैसे सैंडी ने करके रखी टेंशन टाइट, सुबह से अब खाने जा रहा हूं नाश्ते की पहली बाइट। अगर सैंडी ने मुझे देख लिया और पहचान गया तो मेरा तो सैंडविच बना के खा जाएगा। कैसे खाएगा कपी, तूने अपना मुंह जो काला किया है, मुंह पे काला रंग लगाया है। चल कपी आराम से सीढ़ी पे बैठ के खाना खा। देख बेटा आराम से देख, आंखें फाड़ के देख, तू मुझे पहचान ही नहीं सकता। बड़ा आया यू आर अ वेरी बदतमीज एंड तुच्चा टाइप सर, क्या समझा? अरे पूरे घर की टेंशन टाइट करके रखी तू, हाँ? तेरी शक्ल देख के मुझे शक हो गया था कि तू एक नंबर का आवारा टाइप का सांड है। जी आप कौन? हमको सर दर्द की गोली खानी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? जी पानी तो आपको आसपास के सभी घरों में मिल जाएगा, लेकिन ये चिड़िया घर है, हम आपको अभी एक ऐसी अदरक की चाय देते कि आपको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हा? आप इधर ही रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। ये जवानी है दीवानी, हम सैंडी पिएगा पानी, सैंडी अब तुम पियो हौदी का पानी, ये हमारे चिड़िया घर की हौदी है। अबे गधे
अबे तू क्या सांड को चिड़ियाघर का भारत दर्शन करवाने निकला है? जो इसको यहाँ हौद पे लेके आ गया, अब मैं नहाऊं या नहीं नहाऊं? बाबूजी आप नहाइए, बल्कि हम तो कहते हैं आज हम आपको नहलाएंगे। एक तरफ हमारे बाबूजी नहाएंगे, एक तरफ हमारा सैंडी नहाएगा। बाबूजी नहाएंगे साबुन से और सैंडी नहाएगा शैम्पू से। नहीं, नहीं, बस 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 माफ कर मुझे। बेटा तू थोड़ी सी देर इसकी रस्सी कस के पकड़ के रख और मैं तब तक ये बाल्टी पानी डाल लूं और फिर मैं यहाँ से चला जाऊं। उसके बाद तुझे जो करना कर लेना बेटा, ठीक है? ठीक है, फिर हम सैंडी को नहलाएंगे और फिर बाहर गार्डन में टहलाएंगे। हाँ मिल गई बाल्टी। बाबूजी ये बाल्टी नहीं है, ये दूसरी पाल्टी है, हमारा सैंडी है सैंडी। हरिओम। अबे गधे के बच्चे, मैंने कहा था इसकी रस्सी कस के पकड़ ले। बाबूजी हमने तो रस्सी अच्छे से पकड़ी है, पर सैंडी ने पहनी नहीं है। क्या? हरिओम। अबे ये तो बिल्कुल छुट्टा आजाद घूम रहा है। कैसी बातें करते हैं बाबूजी, आप ही तो कहते हैं हिंदुस्तान आजाद है, हिंदुस्तान के लोग आजाद हैं। तो जो सैंडी भी हमारे हिंदुस्तान का जानवर है, ये भी आजाद है। इनकलाब की जय हो। मैं समझ गया बेटा, मैं बिल्कुल समझ गया। तू और तेरा सांड दोनों नहीं चाहते कि मैं नहाऊं। ठीक है बेटा, मैं नहीं नहाऊं। तौलिए से ऐसे ही साबुन पहुंच के चला जाऊंगा बेटा। खेल अपने खेल जो। बाबूजी आप सैंडी से डरो मत, ये बहुत शरीफ है। शरीफों के सींग नहीं होते बेटा। तेरे शरीफ सांड की वजह से पूरा चिड़ियाघर सकते में है, एकदम सन्नाटे में, पता है तुझे? ये तेरा शरीफ ज़ादा, ये मेरा पूरा गार्डन खा गया और डकार तक नहीं ली इसने। बिल्लों के समोसे चट कर गया, बच्चों के कपड़े कपड़े नहीं जूते तक निकल गया ये तेरा सांड। पहली बार हुआ है कि घोटक और गोबो बिना यूनिफॉर्म की पतलून पहने ऑफिस निकल गए। कोयल मयूरी दोनों बहुएं कमरे से निकलना बंद कर दिया है तेरे शरीफ दादे की वजह से। और कभी कभी तो इतना डरा हुआ है वो छत से ही नहीं उतरा। ये सब इसने किया है, इसने, तेरे सांड ने। हाँ और बेटा गधा प्रसाद ये मत समझना कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं इसे इस घर से भगा के रहूंगा। बेटा मैंने तो इसे भगाने का प्लान भी बना लिया है। क्या प्लान ढूंढा है बाबूजी, जरा बताना। प्लान ये है बेटा कि मैं कल ही इसकी फोटो छपवा कर इश्तहार बांटूंगा पूरे शहर में कि जिस किसी का भी सांड है वो आकर इसे चिड़ियाघर से ले जाए और मैं उसे 10,000 रुपए इनाम में दूंगा। 10,000? हाँ। मैं सैंडी का फोटो खींचेगा। सैंडी दांत मांज लो, फिर ना फोटो अखबार में आएंगे। ला। अरे कहाँ चले गए ये लोग? उनके लिए अदरक ढूंढते ढूंढते मेरे सर में दर्द हो गया, अब वो है कि बिना चाय पिए चले गए। क्या बात है भैया, एक्सक्लेमेशन मार्क, राजधानी की पेंट्री में तरबूज भी उगने लगे हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। मैं घूमू कहीं के खुद के पैसे से लाया हूँ यार, और वैसे भी बीवी की मंगाई हुई हर चीज पेंट्री कार में नहीं मिलती। हाँ। तो आप ये कोयल भाभी के लिए लाए हो? What a coincidence! क्यों? तू भी ये कद्दू अपनी कोयल भाभी के लिए लाया क्या? अपनी भाभी के लिए नहीं भैया, आपकी भाभी के लिए, मयूरी भाभी। यार स्कूल जाते वक्त वो तुम्हें जो गोबर कांड हुआ ना, उसकी वजह से मैं बहुत गुस्से में था। ऊपर से मयूरी बोली स्कूल से आते हुए मेरे लिए मेरी फेवरेट सब्जी लेके आना। मैंने गुस्से में बोल दिया मैं तो कद्दू लेके आऊंगा, और ले आया। कोई नई बात नहीं है गोमू। अच्छा मैं जिंदगी में पहली बार कोयल के लिए ऑफिस से कुछ लेकर जा रहा हूँ। थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ।
यू नो जस्ट लाइक अ 16 ईयर ओल्ड 16 इयर्स ओल्ड तरबूज डॉट 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 जोकिंग जोकिंग भैया हाय सैंडी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये मैं कोयल के लिए थोड़ी लाया हूँ। सैंडी जी, आप पहले क्या खाना पसंद करेंगे, ये तरबूज या फिर कद्दू? डॉट 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 कद्दू रख। मैं अब हमारा सैंडी डिनर करेगा हमारे साथ। सैंडी, हम साथ में डिनर करेंगे। पता नहीं कल हो ना हो, और कल हुआ भी तो तुम्हारी गारंटी नहीं है तुम हो ना हो। अगर हम दोनों हुए तो दुनिया की कोई गारंटी नहीं है कि दुनिया हो ना हो, इसलिए आज ही डिनर कर ले हैं, ठीक है? ये तुम्हारी थाली, ये हमारी थाली, अब खाएंगे हम दोनों। देखो, तुम्हारे लिए ग्रीन ग्रीन घास और ग्रीन ग्रीन सलाद। सलाद से ना पेट खराब नहीं होता, हमारा तो हो जाता है। और हमारे लिए हमारी भाभी ने ये राजमा बनाया है, राजमा। हम खाएंगे राजमा और हमारा ठीक रहेगा हाजमा। हाजमा के अंदर भी माँ होती है। हम तुमको भी ये राजमा खिला देते, पर बाबूजी कहते हैं राजमा से तुम्हारा हाजमा खराब हो जाएगा, ठीक है? इसलिए तुम ये हरी हरी घास खाओ, हम खाएंगे राजमा। खा लो प्लीज। क्या हुआ सैंडी, घास अच्छी नहीं बनी क्या? हम टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। हमारे बाबूजी जब हम छोटे थे ना, तो रोटी को पुंगी बना के खिलाते थे। टुई 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 टुई। हमारे बाबूजी रात को हमको ऐसे रोटी खिलाते हैं। अब हम खाते हैं। आ, मजा आ गया। हम एक और खा लें प्लीज। रोल बनाते हैं ऐसे, ये रखा। देखो सैंडी, अब तुम भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दो, वरना हम तुम्हारी सारी घास खा जाएंगे। हरिओम हरिओम। अबे अबे, क्या खा रहा है ये, रोटी के साथ घास? हो गया सत्यानाश। बाबूजी, अरे गधा प्रसाद, तू घास और रोटी क्यों खा रहा है? मैंने राजमा बनाया तो है। दीदी, मयूरी ने भी तो तड़का लगाया था। मयूरी, पहले उसको राजमा खा लेने दो, तुम क्रेडिट बाद में खा लेना। ठीक है दीदी। अरे वो क्या, बाबूजी देखिए दरवाजे पे एक थाली, लगता है आज फिर कोई सैंडी के लिए खाना छोड़कर गया है। ये रोज रोज खाना छोड़ के जाता है, कौन हो सकता है? बाबूजी, मुझे लगता है ना ये वही शख्स है जो आज दिन में आया था। कल मेंढू भी कुछ कह रहा था कि घर पे कोई आया और फिर उसे देख के भाग गया, शायद ये वही है। मतलब उसके बारे में पता करना पड़ेगा। क्या खाना है, तुम खा लो। हमारे सैंडी खाना खाएगा, फिर गाना गाएगा और फिर हम सो जाएंगे। हमारी दोनों आंखों में नींद आ रही है कस के।
टाटा गुड नाइट। कभी कभी मेरे दिल में पनी सा ख्याल आता है इरशाद। स्कूल के टाइम मम्मी कहती है कि जल्दी उठ जाया करो, तुम दूध पीते बच्चे नहीं रहे, सोने से पहले अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो बड़े कैसे होगे। सुबह वाली मम्मी की बात मानो कि शाम वाली। गिल्लू, हमारे मम्मी पापा जो कहते हैं ना हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। अब तू चुप बैठ। सॉरी। चीटी, तू क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि सैंडी कल शायद चला जाएगा। दो दिन से तो इसने हमें परेशान करके रखा है, लेकिन कल जब ये चला जाएगा तब मैं इसे बहुत मिस करूंगी। चीटी, ये कितना खतरनाक एनिमल है, तू इसे मिस करेगी? हाँ, तू नहीं समझेगी गज, तूने और गिल्लू ने इस चिड़ियाघर में जन्म लिया है, जबकि मैं और सैंडी कहीं से आए हैं। चीटी, फिर कभी ऐसा मत बोलना। हमारे चिड़ियाघर की ग्रेटनेस यही है कि हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना? थैंक यू गज, थैंक यू गिल्लू। चलो अब सैंडी के पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं और उससे बातें करते हैं। मुझे सैंडी से डर नहीं लगेगा। मैं भी आता हूँ, मुझे भी सैंडी से डर नहीं लगेगा। और मुझे भी नहीं। चलो। बाय सैंडी। बाय सैंडी। बाय। चल। गुड नाइट गर्ल्स। गुड नाइट गर्ल्स। से मेरी बात सुन। बाबूजी, हम पूरी हरी नींद में, बोलिए। सुन, वो आदमी जो रोज तेरे सांड के लिए खाना रख के जाता है, मुझे लगता है वो कोई चोर है, उसके इरादे सही नहीं है, इसलिए हमें बहुत चौकन्ना होने की जरूरत है रात भर के लिए। ठीक है बाबूजी, हम रात भर चौकन्ना रह के सोएंगे। हरिओ, तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा। हरिओ, हरिओ। बाबूजी, हम चौकन्ने होके सोएंगे। अब आया ऊंट बाबूजी के नीचे, जरूर ये वही सांड चोर है। ठहर जा बेटा, ठहर जा। तू For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.